हेलो नमस्ते, नमस्कार, चैनल स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। आप अपने फेवरेट स्टार के लिए क्या कर सकते हैं? जब आप फिल्म देखने जाते हो, बड़े बड़े कटआउट्स लगते हैं, उस पर माला चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, लोगों में मिठाइयाँ बांटी जाती है, पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है ना जो कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी सही है। आप किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक रखो ना तो वो सही होता है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाओ किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो प्यार की हो, नफरत की हो, हर कुछ एक लिमिट में ही सही होता है। जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है ना जो मतलब नहीं करना चाहिए था उनको, ठीक है, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुश हो, लेकिन इस कीमत पे मतलब नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। कुछ चीज़ें होती है ना जो आप पर्दे के पीछे ही करो ना तो वो सही रहता है। सभी लोग मांस खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन एक लिमिट होता है। जब आप खुल्लम खुल्ला ऐसे नहीं कर सकते, आप रोड पे या कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ है एपी के एक थिएटर के बाहर, जहाँ पे वकील साहब का एक शो होने वाला था, उससे पहले क्या किया उनके फैंस ने, एक बकरे की बलि दी, उसको बांधा हुआ था। और जो मैंने वीडियो देखा, ओवरसीज राइट्स करके एक ट्विटर पेज है, उन लोगों ने पोस्ट किया था, तो एक बकरे को बांधा हुआ था, पूरी पब्लिक है थिएटर के बाहर, और उसको काट के, और कटते ही मुंडी लेके वो ऐसे करके, मतलब मुंडी कटी और उन लोगों ने मुंडी उठा लिया, मतलब ये सर, और नाच रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसको जैसे ही ट्वीट किया गया, उसके बाद वीगन इंडिया मूवमेंट जो है उन लोगों ने इसको पोस्ट करते हुए पावर स्टार पवन कल्याण सर को टैग किया कि ठीक है, आपके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन क्या इस कीमत पे, मतलब खुलेआम पब्लिक में इस तरीके से एक की बलि देना, एक बकरे की बलि देना, वो अच्छा है? बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं देखता हूँ कर्नाटका में भी सारे एक्टर्स के जब कटआउट्स लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, तो वहाँ के फैंस अलग टाइप से सेलिब्रेट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते, तो इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ना कि आप खुशी के मारे आप काटना खोटना ही चालू कर दो, तो अच्छा नहीं लगता ये। और मुझे पता है बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं मेरे पावर स्टार पवन कल्याण सर के चैनल पे, तो आप लोग ही बताओ कि ये क्या सही था जो भी हुआ, एक बकरी की बलि दे गई थिएटर के अंदर, थिएटर के अंदर। और मुझे पता है थिएटर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की ना, वो बोल ही नहीं सकते वो। तो आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे वेट रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। और वकील साहब ने रिकॉर्ड बना दिया भाई, तेलुगू में मतलब 5वें नंबर पे वो फिल्म आ गई है, 32.2 करोड़ का कलेक्शन किया था फर्स्ट डे, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है फिल्म को वो, और कर्णन करके जो फिल्म है तमिल में धनुष सर की, तो दोनों ने काफी हिला दिया है बॉक्स ऑफिस को। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पे अपडेट आता है और फिल्म क्या रिकॉर्ड नया एक बनाती है। थैंक यू सो मच वॉचिंग, जय हिंद।